राइट, हेलो रेसलिंग फैंस, मेरा नाम है जस्टिन और आप देख रहे हैं रेसलिंग ऑडियंस चैनल। तो इस बार हम सभी को हेल इन अ सेल में कोई बड़ा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकता है और ड्रू मैकइंटायर लाना चाहते हैं यूरोपियन चैंपियनशिप को वापस और शार्लेट फेयर रहने वाली है थोड़े टाइम के लिए WWE से गायब। और क्या है सेज़ारो का WWE का फ्यूचर और भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो में। तो यार वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोगों को काफ़ी कमाल की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फिर आप सभी का बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इस नई वीडियो को शुरू करते हैं। और यार जो भी चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर आप सभी को WWE की फास्टेस्ट अपडेट और भी काफ़ी अमेजिंग कंटेंट देखने को मिलता है। तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, अगर 5 या 10 लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। फर्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है इस हफ्ते NXT की व्यूअरशिप से, तो अगर हम लोग लास्ट वीक की व्यूअरशिप की बात करें तो वो थी 6,31,000 और अगर इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी तगड़ा डाउनफॉल आया है व्यूअरशिप में और व्यूअरशिप आई है 531K 5,31,000। तो पता नहीं, सॉरी 5,33,000 आई है, गलत बोल दिया मैंने। तो इस हफ्ते पता नहीं क्या कुछ सीन हो गए व्यूअरशिप में, बाकी देखा नेक्स्ट वीक से व्यूअरशिप कितनी आती है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी शार्लेट फेयर से, और शार्लेट फेयर रहने वाली हैं थोड़े टाइम से WWE से गायब और WWE अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करती है कि ब्रेकिंग न्यूज़ कि शार्लेट फेयर इस इंजरी के कारण आउट ऑफ एक्शन रहने वाली हैं थोड़े टाइम के लिए। अब वो थोड़ा टाइम कितना होगा, थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा होने वाला है, फिर थोड़ा मतलब थोड़ा ही होने वाला है, बाकी देखो शार्लेट का रिटर्न कब तक होता है WWE के अंदर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है NXT इन योर हाउस से, और यहाँ पर जो साल 2022 का NXT इन योर हाउस का शो होने वाला है उसकी डेट निकल कर आ चुकी है सामने, और अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर ये हो सकती है 4 जून की डेट और सैटरडे को हम सभी को देखने को मिलेगा और आप इसे कंफर्म डेट मान सकते हो। और अभी तक लोकेशन रिवील नहीं हुई है, और भाई जो भी NXT का फ़ैन है उनके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि NXT इन योर हाउस होने वाला है जल्दी, या फिर कहते हो 4 जून को। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है हमारी स्वेस सुपरमैन सेज़ारो से, और सेज़ारो का तो मैंने आप सभी को बता ही दिया था बहुत लंबे टाइम पहले कि सेज़ारो ने अपने यूज़र नेम चेंज कर लिया है और वो WWE को छोड़ने वाले हैं, और एक तरीके से उन्होंने छोड़ ही दिया है, उनका यूज़र नेम चेंज हो जाए लाइक क्लोडियो CSRO मतलब सेज़ारो। तो यहाँ पर रिसेंटली अपडेट आती है कि सेज़ारो का क्या कुछ फ्यूचर है WWE के अंदर। तो अभी देखो बहुत सारी जो कंपनीज है जो कि एड्स वगैरह लगाती हैं जो कि सेज़ारो के लिए मतलब शो करवाएगी कि आपका सिग्नेचर हम फैंस को देंगे, उससे पैसा आएगा और फैंस हमारे शो को अटेंड करेंगे। तो जो सेज़ारो का प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, मतलब जो सेज़ारो चार्ज कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और जो कंपनीज आ रही हैं सेज़ारो के पास वो इन सभी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं। तो एक सीन चल रहा है अभी करंटली सेज़ारो का, और पता नहीं है सेज़ारो क्या कुछ फ्यूचर है, लेकिन अगर WWE डेफिनेटली उनकी बढ़िया बुकिंग करती तो आने वाले टाइम में सेज़ारो भी कंपनी का एक बड़े फेस बन सकते थे। खैर छोड़ा है, वैसे मैंने कभी सेज़ारो को उस नज़रों से देखा ही नहीं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी हमारी ड्रू मैकइंटायर से, और ड्रू मैकइंटायर वापस लाना चाहते हैं यूरोपियन चैम्पियनशिप को, और यूरोपियन चैम्पियनशिप जिन लोगों ने देखी है उनको पता ही है, बाकी आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और ड्रू मैकइंटायर रिसेंटली इंटरव्यू में बात करते हैं कि उनको वो चैम्पियनशिप बहुत पसंद है, और जब वो छोटे थे उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती थी ये चैम्पियनशिप, और अभी करंटली वो चैम्पियनशिप को वापस लाना चाहते हैं, और वापस से नहीं लाना चाहते हैं बल्कि इसको जीतना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे रिटायर होने से पहले जरूर से मैं ये चैंपियन बनना चाहूंगा, या फिर कहता हूँ मैं बनना चाहूंगा यूरोपियन चैंपियन। बाकी देखो आने वाले टाइम में ड्रू मैकइंटायर ऐसा कुछ कर पाते हैं या फिर नहीं, जो कि लग तो रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन भाई WWE के अंदर कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें जो कि जुड़ी है WWE के वेमेंस रोस्टर से, और WWE ने अपना रोस्टर कर लिया है थोड़ा सा अपडेट, और यहाँ पर मैं आपसे भी कुछ लिस्ट दिखाऊंगा स्क्रीन पर जहाँ पर कुछ बेबीफेस सुपरस्टार हैं, और इस बेबीफेस सुपरस्टार की लिस्ट में आती है हमारी बियांका बेलेयर, एलेक्सा ब्लेस, सबसे एंड में दिख रहे होंगे आपको डेना ब्रूक, और पूरे बेबीफेस सुपरस्टार की लिस्ट तो आप लोग देख ही चुके हो गए। और यहाँ पर सेकंड नंबर पे एक कोट करने वाली बात है, या फिर कहते हो एक नोट करने वाली बात है कि सेकंड नंबर पे हमारी एलेक्सा ब्लेस, मतलब WWE इंपॉर्टेंस दे रही है हमारी एलेक्सा ब्लेस को। वहीं हम लोग हील की बात करें तो यहाँ पर आपसे बता दूं कि जो हमारी लेसी इवांस हैं वो स्मैकडाउन से मूव होके आ चुकी है मंडे नाइट रॉ के रोस्टर में एज अ हील सुपरस्टार। तो भाई स्मैकडाउन में वो एक बेबीफेस सुपरस्टार दिखाई गई थी, लेकिन WWE ने उनको डाल दिया है रॉ के रोस्टर में एज अ एक हील सुपरस्टार। बाकी भाई ये कुछ अभी करंटली लिस्ट निकल कर आई है जो कि WWE ने अपडेट कर दी है,
और फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है हेल इन अ सेल के बड़े सरप्राइज रिटर्न से। तो क्या हम सभी को कोई हेल इन अ सेल में बड़ा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिल सकता है या फिर नहीं? तो इसका आंसर है मे बी येस। अब हम लोग कन्फर्म क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर बात बोल दी पर आप लोग कहोगे हैं यार कुछ कन्फर्म चीज़ें थी नहीं, तो उन्हें कैसे बोल दी। तो यहाँ पर मे बी हम सभी को बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है इस बार के हेल इन अ सेल के शो में। और भाई हेल इन अ सेल का एक बड़ा शो होता है, और अगर WWE कुछ बड़ा रिटर्न देना चाहती है तो ब्रॉक लेसनर से बेटर कोई रिटर्न नहीं है। अब आप लोग कहोगे हैं ये चीज़ें तो मनी इन द बैंक में भी हो सकती हैं, लेकिन यार मनी इन द बैंक ऑलरेडी लेसनर जीत चुके हैं, तो इस बार अगर कोई नया बंदा जीतेगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। और रूल्स मुझे पसंद नहीं आया कि भाई जो मनी इन द बैंक जीतेगा वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट करेगा। बाकी देखो यार ब्रॉक लेसनर का रिटर्न वाकई में होता है नहीं, क्योंकि एक बार लेसनर रिटर्न कर चुके हैं हेल इन अ सेल के शो में। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बार हेल इन अ सेल के शो के बारे में, मुझे आप लोग कॉमेंट करके जरूर बता देना। सो वेल हमारी जज की वीडियो थी वो भी यहीं तक की थी, अगर पसंद है तो लाइक के बिना कहीं मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। So we will see my next video. Bye bye.